साइबर क्राइम। बिफोर वी गो फॉर देयर टॉक, मैडम अनुजी हु इज सोशल मीडिया इन चार्ज, शी इज सब इंस्पेक्टर एंड इट इज अंडर हर कंट्रोल टू सी फेसबुक, मिस यूज ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड मेनी अदर्स। नंबर टू, आई वुड लाइक टू कॉल नेम ऑफ इंचार्ज ऑफ उड़ान एंड शी इज नन एल्स स्वीटी कुमारी जी, हु फ्रीक्वेंटली विजिट्स स्कूल्स एंड कॉलेजेज एंड ट्राइज हर बेस्ट टू कंट्रोल दोज लॉलेस यंगस्टर्स एंड हेल्प चिल्ड्रेन। थर्ड, वी हैव विद अस SHO के नगर एंड नेक्स्ट इज पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज अर्लियर इन ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एंड फाइनली वी हैव विद अस मिस्टर अनुराग कुमार, एज आई सेड SDSP क्राइम ब्रांच पूर्णिया। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट DSP पूर्णिया टू कम हियर एंड शेयर व्हाट इज साइबर क्राइम एंड हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू सेव आवर सेल्व्स। ही विल बी डूइंग ऑल दोज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ हिज डायरी, सम PPT एंड मेनी अदर सोर्सेज। DSP पूर्णिया के पद पर मैं पदस्थापित हूँ। BPSC 63rd बैच का हूँ, सेकंड रैंक होल्डर हूँ। यहाँ पर पता चला कि UPSC रैंक 1 भी होल्डर हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं। ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है और ये लगता है कि जितने भी हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं वो फ्रेश माइंड हैं, इग्नाइटेड माइंड हैं और ज़रूर अपने जीवन में कुछ ना कुछ कीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे देश में, राज्य में, बहुत ही भी अन्य जगह, तो चोरियां हो जाती थी, डकैती हो जाती थी, छीनताई भी हो जाती थी। अभी भी वो सब चीज़ें रुकी नहीं हैं, वो चीज़ हुई हैं, लेकिन कहिए कि ये साइबर क्राइम फिर बढ़ कैसे गया है भाई? तो चोरी की, डकैती की इंटेंसिटी कम हुई है क्योंकि लोग घरों में पैसा रखना कम कर दिए हैं। पैसा कहाँ रखते हैं? बैंकों में रखते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, अपने मोबाइल ऐप के थ्रू रखते हैं जिसका एक्सेस उनके अकाउंट तक होता है। उन ऐप के जरिए उनका एक्सेस उनके अकाउंट तक होता है। तो साइबर अपराधी क्या करते हैं कि उनको अपनी बातों में डिफरेंट जरिए से लुभाते हैं, भरमाते हैं और ट्रिक अपनाते हैं जिसके कारण वो उनकी बातों में फंस जाते हैं और कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। राइट, जो खरीदारी करने वाला है तो बहुत सारा आपको सोशल, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ये सब प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट आते रहता है, ऐड आते रहता है। उसमें कहता है कि बड़ा अच्छा टी शर्ट लगेगा, बहुत अच्छा आपका लेडीज़ का, तो ये सब है। तो कोई भी चीज़ आप साइबर से रिलेटेड करने के पहले एकदम ऑथेंटिक साइट, सिक्योर साइट्स खोलिए, सिक्योर क्रॉस चेक कीजिए, बहुत बार क्रॉस चेक कीजिए उसको पेमेंट करने के पहले। जिसको आप जानते हैं पहले से आपका लेनी देनी है उसी को ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। जो अननोन पर्सन कहीं बैठा हुआ है, कोई ऑफर दे रहा है सामान खरीदने के नाम पर ही या कुछ अन्य चीज़ें के नाम पर ही, उसको आप पेमेंट किसी भी हालात में मत कीजिए। उधर से आपको क्या करता है कि उधर से जैसे आप पेमेंट करते हैं किसी को तो अपना UPI पिन डालते हैं ना पेमेंट करने के लिए, उधर से आपको रिक्वेस्ट करता है इतना सेंड इतना मनी, ठीक है। आप जैसे ही ओके दबाते हैं, पिन दबाते हैं, पेमेंट हो जाता है। अब वो उधर से पैसा डाल करके रिसीव मनी में लिखता है, कहता है कि एक OTP गया होगा, उसको दबाइए ना, जबकि वो पैसा रहता है। जैसे ही आप उसको दबाते हैं वो फिर पेमेंट हो जाता है, उसको कहेगा कि OTP गया होगा पेमेंट पे, देखिए ना उसको खाली दबाइए ना, जबकि वो रिसीव कर रहता है। तो ये सब भी है, इसलिए बायोमेट्रिक कहीं भी ना दें या कोई भी चीज़ ना करें इस रोष में, इस अहम में, इस गर्व में कि अरे हम तो फलना के हैं, फलना परिवार के, हमारे ये हैं वो हैं, पुलिस में हैं मेरे परिवार में, हमको क्या होगा। सी की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले 3 सालों में 225,000 करोड़ रुपए का ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। आज
साइबर जागरण अभियान के मुख्य वक्ता माननीय DSP साइबर क्राइम ब्रांच पूर्णिया श्री अनुराग कुमार, उनके टीम के तमाम सदस्य, विद्या विहार परिवार के फैकल्टी स्टाफ और हमारे विद्यालय के होनहार छात्र एवं छात्राओं, यह सच में विज्ञान ने जो उपकरण हमारे जीवन को सुखद और सुलभ बनाने के लिए आविष्कार करके हाथों में दिया है, आज पता चला कि एक तरफ विज्ञान के उपकरण अगर वरदान हैं तो अभिशाप भी हैं। विद्या विहार परिवार की ओर से आप तमाम सदस्यों का अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद।